क्लास 11th यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ रहे थे डिसएडवांटेज ऑफ केमिस्ट्री, हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे मैटर। मैटर क्या होता है, नेचर एंड क्लासिफिकेशन, उसका क्या नेचर है और उसको हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, मैटर के बारे में आज पढ़ेंगे हम। तो मैटर क्या है, मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, पोजेज मास एंड प्रेजेंस ऑफ विच कैन बी फेल्ट बाय एनीवन और मोर ऑफ अवर फाइव सेंसेज। मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग, मैटर वो है, वो एनीथिंग है, वो चीज है दैट ऑक्यूपाई स्पेस, जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती है, स्थान घेरती है, पोजेज मास, जिसका कुछ न कुछ मास होता है, एंड प्रेजेंस ऑफ विच, और जिसकी उपस्थिति कैन बी फेल्ट बाय, महसूस की जाती है, एनीवन और मोर ऑफ अवर फाइव सेंसेज, एनीवन कोई एक या मोर ऑफ अवर फाइव सेंसेज, अपनी जो फाइव सेंसेज हैं उसके द्वारा जो महसूस की जाए वो मैटर कहलाता है। तो मैटर क्या है, मैटर इज डिफाइंड एज दैट ऑक्यूपाई स्पेस, जिसका अपना स्थान होता है, जो वस्तु स्थान घेरती है, उसका खुद का मास होता है और उसकी जो प्रेजेंस है वो अपनी फाइव सेंसेज के द्वारा महसूस की जाती है। अपनी फाइव सेंसेज कौन कौन सी होती है, साइट है, टच है, स्मेल है, हियरिंग है, टेस्ट है। हम साइट देख के बता सकते हैं कि भाई कोई मैटर है, जैसे कि पेन है, हम इसको देख के बता सकते हैं, इसका अपना कुछ स्पेस है, इसका अपना कुछ मास है, इसकी प्रेजेंस हम देख के बता सकते हैं, इसको हम टच करके भी बता सकते हैं। सेकंड पॉइंट है टच, टच करके बता। स्मेल, कोई खाने पीने की चीज हो, मान लीजिए गर्मा गर्म जलेबी बनी, उसकी स्मेल से पता चल जाता है। हियरिंग, सुनने के पता चल जाता है, जैसे चिड़िया साइड में चहचहा रही हैं। टेस्ट, कोई चीज कैसी है, हम उसको टेस्ट करके बता सकते हैं, जैसे कि चाय मीठी बनी है या फीकी बनी है, उसको हम टेस्ट करके बता सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, टू टाइप्स हैं क्लासिफिकेशन मैटर के, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिजिकल स्टेट मतलब देखने में कोई चीज कैसी है, एट द ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर या ऑर्डिनरी कंडीशन भी कह सकते हैं हम, यहाँ पर कंडीशन रूम टेम्परेचर की भी ले सकते हैं, कि भाई कोई देखने में कोई मैटर है वो कैसा है, जैसे सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है या गैसियस फॉर्म में है, तो हम कहेंगे इट इज अ फिजिकल क्लासिफिकेशन, इट इज अ थ्री टाइप्स, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज। तो वन बाय वन हम तीनों को पढ़ेंगे, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। सॉलिड क्या होते हैं, हमने छोटी क्लासेज में पढ़ रखा है, ए सब्सटेंस इज सेड टू बी सॉलिड इफ इट पोजेज ए डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड वो है जिसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है एंड डेफिनेट शेप, जिसकी डेफिनेट शेप होती है। फॉर एग्जाम्पल सुगर, चीनी, आयरन, लोहा, गोल्ड, सोना, वुड, लकड़ी एक्सेट्रा, ये क्या है, इनकी सभी के सभी क्या है, डेफिनेट शेप होता है। आयरन की अलमीरा देखें हम घर पे, सुगर देखें, गोल्ड देखें, इनकी क्या है, शेप हमेशा फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती अपने आप। उसके बाद में है लिक्विड, ए सब्सटेंस इज सेड टू बी लिक्विड इफ इट पोजेज ए डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। लिक्विड वो होता है जिसकी डेफिनेट वॉल्यूम तो होगा, है डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। दे टेक अप द शेप ऑफ वेसल इन विच दे आर पुट, वो उसी वेसल की शेप धारण कर लेता है जिसमें उसे डाला जाता है, जैसे गिलास में डाल दें चाय को तो गिलास की शेप हो जाएगी लिक्विड की, कप में डालेंगे तो कप की। फॉर एग्जाम्पल वाटर, मिल्क, ऑयल एक्सेट्रा, दीज आर लिक्विड्स। थर्ड टाइप है गैसियस स्टेट, ए सब्सटेंस इज सेड टू बी गैसियस इफ इट नाइदर पोजेज ए डेफिनेट वॉल्यूम नो डेफिनेट शेप, इसके ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना ही डेफिनेट शेप होती है। दे फिल अप द होल वेसल इन विच दे आर पुट, वे पूरे वेसल के अंदर अपना स्थान बना लेती है जिसमें उसको डाला जाता है, जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एयर है एक्सेट्रा, दीज आर गैसियस स्टेट। दीज थ्री स्टेट्स आर इंटरकन्वर्टेड बाय चेंजिंग द टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, ये जो तीनों के तीनों स्टेट हैं, दीज आर इंटरकन्वर्टेबल है, आपस में चेंज होती रहती हैं। जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल वाटर का लें, सॉलिड आइस की फॉर्म में होता है, यदि हम उसको ठंडा कर गर्म कर दें
तो वो लिक्विड में बदल जाएगा। इसको यदि फ्रिज से बाहर निकाल दें तो लिक्विड में बदल जाएगी। यदि लिक्विड को और यदि हम गर्म कर दें हीटिंग, दिस इज सिंबल ऑफ हीटिंग, वो गैस में बदल जाएगी। सिमिलरली इसको रिवर्सिबल कर दें, गैस को ठंडी कर दें तो वो लिक्विड में बदल जाएगा, और ठंडी कर दें तो फ्रिज में रख के लिक्विड को वाटर को कूल कर देंगे तो वो किस में बदल जाएगा, सॉलिड। तो दिस इज दीज थ्री स्टेट्स आर इंटरकन्वर्टेबल बाय चेंजिंग टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस।